गंवारपति। रचना पढ़ने लिखने की शौकीन थी, लेकिन पिता लड़कियों को पढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ। शादी के बाद, अरे तुम तो मैथ्स बड़ी अच्छी सॉल्व कर लेती हो, आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? पापा को बेटियों को पढ़ाने का मतलब पैसे बर्बाद करना लगता था। वो सोचते थे कि वही पैसा ससुराल वालों को देकर अच्छा सा घर देख ले। लेकिन तुम क्यों नहीं पढ़े? वो इसलिए कि पापा की तबीयत जल्दी खराब हो गई, घर का जमा जमाया बिजनेस था, कौन देखता, तो इसलिए मैंने पढ़ाई को साइड कर बिजनेस में ध्यान लगा लिया। दोनों खूब बातें करते, आपस में अपने शौक और अपनी इच्छाएं सब डिस्कस करते हैं। एक बात बताऊं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ बनूं, समाज में मेरा नाम हो। हाँ तो इसमें क्या गलत चाहती हो, सही तो है, वैसे भी हम लोगों के घर में नौकर चाकर की कमी नहीं है, ऊपर से दो गाड़ी ड्राइवर के साथ दरवाजे पर खड़ी होती है। अरे दिक्कत क्या है, शुरू कर दो पढ़ाई। बस अब क्या था, पति से हरी झंडी मिली तो रचना कॉलेज में एडमिशन भी करवा लेती है। लेकिन एक बार, अरे कॉलेज में तो कोई लड़की बिंदी चूड़ी और सिंदूर नहीं लगाती, फिर मैं एकदम गंवार लगती हूँ वहां पर। अगले रोज रचना घर से बाहर निकलती है तो बिल्कुल सिंपल। अरे रचना, सुहागन के सर का ताज होता है चुटके भर सिंदूर, लेकिन तेरा सर का ताज कहाँ है? अरे वो ये रहा माँ जी, देखिए। रचना ने बाल हटाए तो छुपा हुआ सिंदूर माँ जी को दिखा। वो माँ जी कॉलेज में ना सिंदूर लगाकर कोई नहीं आता, इसीलिए। ये क्या बात होती है, ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना बिंदी ना चूड़ी। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, जा पहले श्रृंगार करके आ। अब रचना को सास पर बहुत गुस्सा आता है, वो उस वक्त तो श्रृंगार कर लेती है, लेकिन फिर आज कॉलेज में सब मेरे ऊपर इतना हंस रहे थे कि क्या कहूँ, आंटी आंटी कर रहे थे। क्यों बोला, तुम्हारी कौन सी बड़ी उम्र है, बस शादी ही तो हुई है। मैं इतनी चूड़ी सिंदूर और बिंदी लगाकर जाऊंगी तो और क्या कहेंगे मुझे। ओहो, लेकिन उससे क्या हुआ? हुआ ये कि मैं सबसे अलग लगती हूँ। फिर रचना पति जो कि कभी कॉलेज नहीं गया उसे बढ़ा चढ़ा कर बातें बताने लगती है। ओहो अच्छा ऐसा है, अरे ठीक है तुम भी सिंपल जाओ, बस मैं माँ से बात कर लूंगा। अगले रोज रचना फिर किसी कंवारी लड़की की तरह बिना श्रृंगार कॉलेज जाने को निकलती है कि सास बोल पड़ती है। ये क्या है बहू, एक ही बात को रोज रोज बोलकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ, जा जाकर पहन ले कुछ। तभी वहां रचना का पति आ जाता है। अरे माँ रहने देना, क्या हो गया, जैसे कॉलेज में सारे लड़के लड़कियां आते होंगे उसे भी वैसे ही जाना होगा ना, अब जब मुझे कोई समस्या नहीं है तो तू क्यों बोल रही है? अरे वाह क्या बात है, कौन सा गलत बोल रही हूँ, यही तो बोल रही हूँ कि सुहागन है सुहागन की तरह रह। लेकिन माँ क्या करती, बेटे के सामने एक नहीं चलती। देख ले बेटा, एक दिन तुझे तेरी यही आजादी देना खलेगा, फिर कहेगा काश उस वक्त माँ मैंने तेरी बात मान ली होती, अरे मैंने दुनिया देखी है बेटा। फिर एक रोज सास की नजर बहू के मोबाइल पर पड़ती है जिसमें वो किसी से खूब हंस हंस कर बात कर रही होती है। क्यों रे कौन है? हाँ अरे वो माँ आ गई, रखती हूँ। माँ नहीं सासू माँ, क्यों नहीं बोला, वैसे तो लोगों से कहती रहती है सास आ गई सास आ गई, दिखा जरा फोन किससे बात कर रही थी। सास की बात सुनकर बहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, यही दिन देखना रह गया था, माँ जी आप मुझ पर शक कर रही हैं, मैं अब कॉलेज जाऊंगी नहीं। तभी वहाँ रचना का पति आ जाता है। अरे रचना क्या हो गया, माँ क्या है, क्यों बेचारे के पीछे लगी हो? मैं मुक्ता से बात कर रही थी, ये आ गई, मैंने कहा माँ आ गई है फिर बात करती हूँ, तो ये बोलने लगी कि फोन दिखाओ मैं किसी लड़के से। रचना के पति को माँ पर गुस्सा आ जाता है। माँ क्या है ये, आज तो तूने सारी हदें ही पार कर दी, अरे किसी को तो घर में पढ़ा लिखा होने दे माँ। अरे बेटा मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि एक बार फोन दिखा किससे बात कर रही थी,
बहू के सर से ये बात सुनकर पसीना बहने लगता है। हाँ हाँ, लो लो देख लो। देखा देखा इसको कितना डर लग रहा है। अरे नहीं देखना मुझे कोई मोबाइल, मुझे मेरी बीवी पर पूरा यकीन है। सास क्या कहती, वहां से चली जाती है। अगले रोज रचना ड्राइवर वाली लंबी कार में कॉलेज पहुंचती है। ड्राइवर कार अंदर ले चलो और मेन एंट्री पर रुकना, और हाँ उतरकर मेरे लिए गेट भी खोलना। ड्राइवर चूंकि उस घर का काफी पुराना ड्राइवर होता है। अरे रचना बेटिया, कार अंदर ले जाना ठीक नहीं लगेगा। और रचना ड्राइवर को जोर से डांटती है, जैसा कहा है वैसा करो नहीं तो नौकरी से बाहर। ड्राइवर वैसा ही करता है, जिसे सामने खड़े उसके क्लास के लड़के लड़कियां देखते हैं। वाओ रचना, ये कार किसकी है? शाम को टाइम पर आ जाना, नहीं तो पता है ना। यार ये मेरे पापा की है, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं एक कदम भी पैदल चलूं। तभी तो देखो मैं ड्राइवर को बोलती रहेगी कि मुझे यहीं बाहर उतार दो बाहर उतार दो, लेकिन नहीं, बोलने लगा साहब का ऑर्डर है। अब क्या था, रचना क्लास में सबसे झूठ बोलना शुरू कर देती है। यार तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और अमीर भी, काश मेरी शादी तुमसे हो जाती। अरे तू क्या कम अमीर है, तेरे पापा के पास भी तो बड़ा पैसा है। हाय रे, किस्मत हो तो रचना जैसी, पापा भी पैसे वाले और लड़के ने शादी के लिए प्रपोज किया तो वो भी पैसे वाला। हे भगवान, मेरे पापा के पास तो कार नहीं, लेकिन मेरा पति इतना केयरिंग देना जितना रचना के पापा। रचना लड़की के प्रपोजल से घबरा जाती है। क्यों रचना, प्रपोजल को हाँ समझू? घबरा तो ऐसे रही हो जैसे कहीं तुम शादीशुदा हो। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं शादीशुदा लग रही हूँ क्या? ना ना बिल्कुल भी नहीं, तभी तो प्रपोज किया। रचना उस लड़के को देखती है, लंबा चौड़ा खूबसूरत जवान लड़का। अब उसे अपने पति से नफरत होने लगती है। एक दिन, काश काश मेरी शादी रोहन से होती, कितना हैंडसम है वो, लेकिन अब तो सारा जीवन। पापा को भी क्या जल्दी थी मेरी शादी करवाने की। अब रचना झूठ बोलकर रोहन से मिलने लगती है, कॉफी पीने जाती और अपने पति से कम बात करती। फिर एक दिन, रोहन अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं शादीशुदा हूं तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? अरे मैं तो तब भी मजाक ही कर रहा था, शादीशुदा? अरे आंटी जी, पूरा कॉलेज जानता है कि तुम शादीशुदा हो। रोहन की बात सुनकर रचना रोती हुई घर आती है। अरे क्या हुआ रचना, रोहन से लड़ाई हो गई क्या? रचना हैरान रह जाती है कि पति को ये बात कैसे पता चली। ठीक है बस, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तलाक देता हूँ, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लो। नहीं नहीं, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने गलती कर दी, तुमने तो मुझे वो मौका दिया जो शायद ही कोई पति अपनी बीवी को देता हो, तुमने मुझ पर अपनी माँ से भी ज्यादा भरोसा किया, मुझे माफ कर दो। पति कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगले रोज से रचना पूरे श्रृंगार के साथ कॉलेज जाती है और अच्छे से पढ़ाई पूरी करती है।